सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं, ओंठों को छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। नमस्कार दोस्तों, आशुतोष विश्वकर्मा ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे राग यमन पर आधारित बहुत सारे फिल्मी गीत और बहुत ही प्यारे से भजन। कम से कम हम आप लोगों के लिए 20 धुनें सिखाएंगे सिर्फ राग यमन पर। तो ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आगे आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में हम छोटे कलाकारों को अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को परिचित करवा दूं हारमोनियम के स्वरों से कि हमारा जो हारमोनियम है इसमें 3 सप्तक होते हैं भाइयों, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, है ना। 3 सप्तक होते हैं, लो ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव, ठीक है। तो हम मध्य सप्तक, मध्य मतलब दोनों के बीच वाला, मध्य सप्तक के काली 3 से बजाना हर गीत को सीखेंगे। तो बात करते हैं राग यमन की। मैं आप लोगों को बता दूं कि हारमोनियम में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, कोमल भी होते हैं ये नीचे वाले, लेकिन जो यदि राग यमन की बात की जाए तो राग यमन में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, सिर्फ जो माँ है, माँ तीव्र लगता है, माँ शुद्ध का यूज नहीं होता है भाइयों, इसका उपयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग शुद्ध स्वर देखिए, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। लेकिन माँ शुद्ध का यूज हम नहीं करेंगे जब राग यमन की बात आती है, माँ तीव्र का यूज होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगेंगे। देखें, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है। सारे स्वर शुद्ध लगेंगे, मां बस तीव्र लगेगा, है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि राग यमन की पकड़ क्या होती है, तो आप लोग पकड़ देखें, नी रे गा रे सा, बता दूं कि राग यमन में कितने सारे भजन आते हैं, कितने सारे फिल्मी गीत आते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ 18-20 भजन और फिल्मी गीत राग यमन पे बजाना सिखाऊंगा। भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि कोई भी गीत आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल चाहिए है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले इस राग से टच कौन कौन से गीत हैं, देखें, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा। पहला गीत देखिए, सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। ये पहला
पहला गीत है राग यमन पे, जो कि भजन है। आप दूसरा गीत देखिए राग यमन पे। यदि आपको पूरा गीत चाहिए है सजा दो घर को गुलशन सा, तो आप लोग यूट्यूब पे बोल के सर्च कीजिए सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, आशुतोष विश्वकर्मा हारमोनियम। तो हम इस गीत के लिए पहले बजाना सिखा चुके हैं। अब दूसरा गीत आप राग यमन पे देखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये आपका दूसरा गीत हो गया राग यमन पे। तीसरा गीत देखिए, फिल्मी गीत है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रस्ते में है उसका घर। ये भी राग यमन पे है भाइयों। यदि आप इस गीत के लिए हारमोनियम पे बजाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप तीसरी गजल देखिए, इसी राग यमन पे आधारित, उस्मान मीर साहब ने गाई है बार मुरारी बापू जी के साथ, और कीर्तिधन गढ़वी ने भी। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये भी राग यमन पे है, और हम ये गीत भी हारमोनियम पे बजाना सिखा चुके हैं। ये दर्द तूने दिया है आशुतोष विश्वकर्मा हारमोनियम, बोल के सर्च कीजिए तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, है ना। अब आप पांचवा गीत देखिए, पांचवा भजन राग यमन पे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। ये भी राग यमन पे आधारित है, इसको भी हम पहले बजाना सिखा चुके हैं। यूट्यूब पे बोल के सर्च करिए श्री रामचंद्र कृपाल भजमन आशुतोष विश्वकर्मा ऑफिशियल हारमोनियम, ठीक है। अब आप सातवा गीत देखिए, फिल्मी गीत है, राग यमन पे आधारित। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आठवा गीत देखिए राग यमन पे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई के। नौवा गीत देखिए, गणेश वंदना है। गाई गे गणपति जग वंदन। ये भी राग यमन पे है। आपको कोई भी गीत इनमें से चाहिए हो, हारमोनियम पे बजाना सीखना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दसवां गीत है, मुझे है काम इस बरसे जगत रूठे तो रूठन दे, ठीक है। ग्यारहवां गीत है राग यमन पे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बारहवां गीत है राग यमन पे आधारित, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ठीक है। ये भी राग यमन पे आधारित है। तो ये आपका हो गया बारहवीं धुन। तेरहवीं धुन है, अभी ना जाओ छोड़ के। ये तेरहवां गीत हो गया फिल्मी गीत, ये भी राग यमन पे आधारित है। चौदहवां गीत है, गजल है। आज जाने की जिद ना करो, ये चौदहवां गीत हो गया। पंद्रहवां गीत है राग यमन पे आधारित, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। सोलहवां गीत है राग यमन पे, छूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। सत्रवा गीत है राग यमन पे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। ये सत्रवा गीत है। अठारवा गीत है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं
भाइयों, मैंने आप लोगों को कितने सारे गाने बता दिए राग यमन पे, है ना। अब आप लोगों को यदि कोई भी धुन हारमोनियम पे बजाना सीखना चाहते हैं, 18 धुन में से कोई भी गीत, तो आधे से ज़्यादा गीत हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि चैनल पे 850 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हैं। और जो भी गीत आपको पूरा बजाना सीखना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। तो भाइयों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भाइयों के लिए जय माई की, जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ।